हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22। अब बीएसएफ ट्रेड्समैन 2021-22 में भर्ती है, देखिए एक तो 2 साल की भर्ती एक साथ है और दूसरा एज का प्रॉब्लम था, कुछ कैंडिडेट्स अंडर एज थे वो रिजेक्ट हो गए। अब जो अंडर एज रिजेक्ट हो गए उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो डॉक्यूमेंट की वजह से जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं उनके कैसे मैसेज आ रहे हैं अभी, और फॉर्म का स्टेटस आप एक बार जरूर चेक कर लें। एक तो देखिए अभी सबमिटेड शो कर रहा है, सबमिटेड शो कर रहा है, इसका मतलब तो ये है कि आपका फॉर्म अभी प्रोसेस में है, अभी उसका पूरी तरीके से चेकअप नहीं हुआ है, और जैसे ही प्रोसेसिंग हो जाएगी आपके पास में मैसेज आ जाएगा, मोबाइल पर भी मैसेज आएगा, आपने जो मेल आईडी दिया है उस पर भी आएगा, सबमिटेड है यहां पर मोबाइल पर क्या मैसेज आएगा, मोबाइल पर आएगा अप्रूव हो गया है, अप्रूव फॉर फर्दर प्रोसेस। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनके पास में डॉक्यूमेंट उस समय अपलोड नहीं कर पाए थे, रेडी नहीं था और रिजेक्ट हो गया। अब क्या है कि प्रोविजनली एक्सेप्ट का मैसेज ये आया, प्रोविजनली यहां पर रीजन बताया गया। अब ये जब आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पता चलेगा कि आपका भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोविजनली एक्सेप्ट हुआ है। प्रोविजनली एलिजिबल सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट एज पर एडवर्टी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन कब होगा? डॉक्यूमेंटेशन होगा पीटी पीएसटी और उसके जस्ट बाद ही डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में जो पास हो गए उनका साथ ही ट्रैक टेस्ट हो जाएगा। ये सब काम एक दिन का काम है ये, तो प्रोविजनली एक्सेप्ट ऐसा यदि आपके लिखा हुआ आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, आपके फॉर्म में जो कमी थी उसकी वजह से फोर्स ने रिजेक्ट नहीं किया आपका फॉर्म। आपको मौका दिया जा रहा है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ कैंडिडेट्स ने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया था, ओबीसी सर्टिफिकेट, तो उनके लिए या किसी ने डोमिसाइल अटैच नहीं किया, एक्सपीरियंस वाले जो हैं उनका भी प्रोविजनली एक्सेप्ट हो रहा है। अब एक कैंडिडेट का प्रोविजनली हो रहा है तो देखिए सबका होगा, वो तो सबके साथ समानता का बर्ताव होना चाहिए। कुछ हमारे साथियों ने आरटीआई लगाया तो आरटीआई का कोई रिप्लाई नहीं आएगा, आरटीआई को खारिज कर दिया जाएगा, आरटीआई में बीएसएफ को या जितने भी हमारे सुरक्षा बल हैं उनको छूट दी गई है। तो हम जो रिजेक्ट हो गए हैं उसके बाद किस आधार पर एक्सेप्ट हो रहा है वो भी आगे आपके लिए वीडियो में लेकर आएंगे। आपका एक्सेप्ट हो गया, तैयारी में जुट जाइए, रिजेक्ट हो गया है हताश होने की जरूरत नहीं है, आपके पास भी मौका है। हाँ, अंडर एज की वजह से यदि रिजेक्ट हो गया है, यानी कि 1/8/2021 को आप 18 इयर्स आप कंप्लीट नहीं होते हैं तो कुछ नहीं होगा, उसको भूल जाइए। लेकिन आपका दूसरे किसी वजह से रिजेक्ट हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो अभी भी आपके पास में चांस है, जैसा कि ये प्रोविजनली एक्सेप्ट हो रहा है मैसेज आ रहे हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ और यदि कोई भी अपडेट होता है तो उसको बिल्कुल आपके लिए लेकर आएंगे। जय हिंद।